हाय एवरीवन, मैं डॉक्टर अनुयास अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे, मस्त होंगे और एग्जाम की तैयारियों में लगे हुए होंगे। जैसा कि मेरा ये वीडियो वापस से एक ऑन डिमांड वीडियो है, ये मेरे काफी सारे स्टूडेंट्स ने और कमेंट बॉक्स में भी मुझे काफी सारे कमेंट्स आए हैं कि सर हमें ह्यूमन वैल्यूज का फुल रिविजन करना है, मीन्स यूनिट 1 से लेकर यूनिट 5 तक फुल रिवीजन करना है। तो मेरा ये वीडियो केवल डेडिकेटेड उन्हीं के लिए है। वैसे मेरा ये यूट्यूब चैनल ग्लोबल इशू को कवर कब करता है, लेकिन आज ये ऑन डिमांड वीडियो है और हम आज इसमें बात करने वाले हैं ह्यूमन वैल्यू सब्जेक्ट की और फुल रिवीजन होने वाला है क्लास में, शुरू से लेकर एंड तक। मैंने बहुत सारे टॉपिक लिख रखे हैं, मैं एक एक करके सारे टॉपिक्स एक्सप्लेन कर दूंगा। ये सारे टॉपिक फर्स्ट यूनिट से लेकर लास्ट फिफ्थ यूनिट तक मैंने कवर अप कर लिए हैं, जो मोस्ट प्रोबेबली आपको एग्जाम हॉल में देखने को मिल जाएंगे। और पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर, जी हाँ, पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर इन्हीं सारे टॉपिक्स के इर्द गिर्द घूमने वाला है। तो बिना कोई वक्त गवाए अपन ह्यूमन वैल्यू का फुल रिवीजन शुरू करने वाले हैं। तो प्लीज वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा ताकि एग्जाम में आपको कोई डाउट ना रहे माइंड में। और यदि आपको अभी भी कोई डाउट है ह्यूमन वैल्यूज और प्रोफेशनल इथिक्स सब्जेक्ट के अंदर, आप किसी भी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं, आपका कोई भी स्ट्रीम हो सकता है, आप इंजीनियरिंग के हो सकते हैं, फार्मेसी के हो सकते हैं, कॉमर्स ग्रेजुएट हो सकते हैं, आप साइंस ग्रेजुएट हो सकते हैं, यदि इस सब्जेक्ट के रिलेटेड आपको कोई भी इशू है तो फील फ्री टू कमेंट, आई एम हियर टू हेल्प यू। और आप फील फ्री टू कमेंट और मुझे जरूर बताइएगा कि आपको मेरा ये वीडियो कितना हेल्पफुल लगा और आपको आपके सब्जेक्ट में कितने यहां से क्वेश्चंस भी आए, प्लीज मुझे ये जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो बिना कोई वक्त गवाए अपना ये वीडियो शुरू करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला जो कॉमनली पूछा गया है टॉपिक वो है नीड फॉर वैल्यू एजुकेशन। ये फर्स्ट यूनिट का टॉपिक है और हमेशा अधिकतर इसमें से सवाल जरूर आता है। अपन यहाँ रिवीजन क्लास के अंदर हैं तो थोड़ा सा मैं जिस्ट में बताऊंगा, क्योंकि अब बिल्कुल एग्जाम करीब आ गए हैं तो ज्यादा आपका भी टाइम नहीं लूंगा, लेकिन ऐसी चीजें बताऊंगा जो एग्जाम के अंदर आपको बिल्कुल राइट अप करके आनी है। जैसे नीड फॉर वैल्यू एजुकेशन, इसके अंदर आपसे एग्जामिनर क्या पूछ रहा है कि वैल्यू एजुकेशन जो होता है उसकी नीड क्या है आज की सोसाइटी के अंदर, या इंजीनियरिंग या फार्मेसी या साइंस ग्रेजुएट्स को, क्योंकि ये स्कूल लेवल का काम था, तो क्या नीड्स हैं। इसके साथ में जो कुछ नीड्स बता रखी है, जो बुकिश नीड्स में आज आपके साथ में एक्सप्लेन करूंगा, इसके साथ जो आपको आंसर देने वाला है वो भी बताऊंगा। सबसे पहले जो नीड है वो है कि आप अपने करेक्ट आइडेंटिफिकेशन करें करेक्ट एस्पिरेशंस की, मींस के आप किसको फॉलो करना चाहते हैं। आप एडोल्फ हिटलर को फॉलो करना चाहते हैं, महात्मा गांधी को फॉलो करना चाहते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल को फॉलो करना चाहते हैं, जो भी आपका एस्पिरेशन बने वो सही बने, क्योंकि एडोल्फ हिटलर के भी बहुत सारे फॉलोवर्स थे और महात्मा गांधी के भी बहुत सारे फॉलोवर्स थे, लेकिन महात्मा गांधी अहिंसा के राज पे चले और एडोल्फ हिटलर वायलेंस करा उन्होंने। तो दोनों के सिस्टम अलग अलग है, दोनों के पास गुडविल अलग अलग है, लेकिन आपको करेक्ट आइडेंटिफिकेशन हो आपके एस्पिरेशन की, इसके लिए वैल्यू एजुकेशन इंपॉर्टेंट है। इसके लिए और करेक्ट आइडेंटिफिकेशन करने के लिए ऐसा यूनिवर्सिटी मानती है, ऐसा यूजीसी मानता है कि उसके लिए कॉलेज लाइफ जो होती है वो बेस्ट होती है। वैसे देखा जाए तो स्कूल लाइफ के अंदर भी हम हमारे एस्पिरेशन जो गोल्स हैं वो डिसाइड कर लेते हैं, लेकिन अभी यूजीसी के अंदर उन्होंने ये माना है कि कॉलेज स्टूडेंट के करेक्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ फॉर देयर एस्पिरेशन, उसके लिए वैल्यू एजुकेशन जरूरी है। दूसरा जो इसमें पॉइंट निकल कर आया है कि यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज, अब यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज करके कोई टर्मिनोलॉजी नहीं होती, इसको इथिक्स ही बोलते हैं नॉर्मल लेमन लैंग्वेज में। इथिक्स क्या होते हैं, जैसे हमें हमेशा सच बोलना चाहिए, हमें सबका आदर करना चाहिए, जो हर कास्ट हर कम्युनिटी में समान होते हैं। जैसे कि अगर कोई हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, उसके लिए भी इथिक्स वही होंगे जो किसी दूसरे धर्म या संप्रदाय के लिए होंगे। मींस के कोई अमेरिका का है, कोई इंडिया का है, कोई ब्राजील का है, लेकिन एथिक्स आर कॉमन फॉर ऑल ऑफ देम। मींस के एथिक्स गोल्डन रूल्स हैं जो सबके लिए इक्वल्स होते हैं, लाइक कि हमें हमेशा सच बोलना चाहिए, हमें हमेशा बड़ों का आदर करना चाहिए, हमें चोरी नहीं करनी चाहिए। अब मैं किसी भी एज का हो सकता हूं, 80 ईयर ओल्ड हो सकता हूं या 15 ईयर ओल्ड हो सकता हूं, लेकिन ये बात ट्रू ही रहने वाली है कि हमें चोरी नहीं करनी और बड़ों का आदर नहीं करना, आदर करना है, सॉरी, बड़ों का आदर करना है। तो और किसी भी कास्ट कम्युनिटी को बिलोंग करूंगा, ये बात उतनी ही करेक्ट रहने वाली है। तो सेकंड हमारी जो नीड है नीड फॉर वैल्यू एजुकेशन वो यही है कि यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज को हम समझे।
यानी कि एक तरीके के इथिक्स को समझे। लेकिन बुकिश लैंग्वेज के अंदर यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज लिखा हुआ गया है। यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज और इथिक्स दोनों साइमल्टेनियसली होती है मेरे अकॉर्डिंग। अच्छा, यहाँ पे जो भी नॉलेज दिया जा रहा है वो मेरे अकॉर्डिंग और मेरे जो पढ़ी गई किताबों के अकॉर्डिंग, कोई इस पे क्लेम मत कर देना कि सर आपने ये बताया था और इसका ये वाला बुकिश नॉलेज। मैक्स टू मैक्स मेरा 99% एश्योरेंस है कि जो मैं बोल रहा हूँ वो बिल्कुल एकदम प्रैक्टिकल बुकिश नॉलेज के आधार पे ही आपको समझा रहा हूँ। करीबन 9 ईयर का एक्सपीरियंस है मुझे टीचिंग का। लेकिन कितनी ही बार ऑथर्स डिफरेंट अपने फिनोमिना या डेफिनेशन देते हैं यूनिवर्सल ह्यूमन स्किल को लेकर, तो कन्फ्यूज मत होइएगा। जो मैं बोल रहा हूँ लिख दीजिए, एग्जाम में मुझ पर भरोसा रखिए, मैं आप पे भरोसा रख रहा हूँ, एग्जाम में अच्छे नंबर अपन को मिल जाएंगे, ठीक है। तो वैल्यू एजुकेशन में दो चीजें मैंने अभी तक बता दी। फर्स्ट जो आपको बताई है कि आप करेक्ट एस्पिरेशन का पता कर सके। सेकंड जो चीज मैंने आपको बताई है वो ये बताई है कि आप यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज का पता कर सके। यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज यदि आपको पता होंगी तो आप वैल्यू एजुकेशन हेल्पफुल है। थर्ड, टेक्नोलॉजी चेंज हुई है। आज हम FB पे एक दूसरे से मिलने लगे हैं, ट्विटर पे मिलने लगे हैं, ओमेगल करके अननोन स्ट्रेंजर से बात करने लगे हैं, तो यहाँ पर वैल्यू एजुकेशन की बहुत जरूरत है। यहाँ पर हम दूसरों के मूल्यों समझें, हमेशा मोरालिटी से बात करें, हमेशा दूसरों की प्राइवेसी का ध्यान रखें, इस तरीके की चीज के कारण वैल्यू एजुकेशन अपर लेवल के ऊपर इंट्रोड्यूस करा। जो मैं एड ऑन कर देता हूँ, हमारे खुद का जो बिलीफ है उसके बारे में इवोल्यूशन होता है वैल्यू एजुकेशन से। बिलीफ जो होता है मींस के जो हम धारणाएं बनाते हैं कि मंदिर में हम अगर पूजा करेंगे तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, शिवजी को जल चढ़ाएंगे तो शिवजी प्रसन्न हो जाएंगे, जो धारणाएं बनाते हैं वो वैल्यू एजुकेशन के ऊपर बेस्ड होती है, ऐसा माना गया है। तो ये चार चीजें काफी इंपॉर्टेंट है। अब आपको समझ में आ गया होगा नीड फॉर वैल्यू एजुकेशन क्या है, और यहां तक अपना एक क्वेश्चन हो चुका है और मैं रिवीजन के आगे दौर पे बढ़ रहा हूँ। काफी शॉर्ट में मैं समझा रहा हूँ ताकि आपको पूरा एक घंटे से भी कम समय के अंदर पूरा के पूरे 5 यूनिट का रिविजन करा सकूं और आपके जो मेजरली जो टॉपिक्स हैं वो सब कवर अप हो जाएं और आप एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर ले आए। क्योंकि एग्जाम में राइटअप के कुछ नियम है दोस्तों, पहले वो भी शेयर कर देता हूं। सबसे जो पहले आपको क्वेश्चन आता है अब वो अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप ऐसा मत करिए, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है। मैं खुद एक एग्जामिनर रहा हूं, तब मैं ये चेक करता हूं यदि किसी ने 7th क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट कर दिया तो इसका मतलब ये होता है कि उसको 7th क्वेश्चन सबसे ज्यादा आता है। अगर वो क्वेश्चन 15 मार्क्स का है और मैंने उसको वहां पर 13 मार्क्स दे दिए, थोड़ा सा समझिएगा, थोड़ा सा यहाँ पर ह्यूमन वैल्यूज की जगह आपको एग्जाम का पैटर्न फंडा बता रहा हूं कि अगर कोई क्वेश्चन 15 मार्क्स का है और आपने 7th क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट कर लिया और मैंने वहां 15 आउट ऑफ आपको 14 या 13 मार्क्स दे दिए, तो अब मेरे एग्जामिनर एज ए एग्जामिनर मेरे माइंड में यह आ जाता है कि आपको 7th क्वेश्चन सबसे अच्छा आता है, 7 से ज्यादा अच्छा कुछ भी नहीं आता। अब आप कोई भी और बड़ा क्वेश्चन करते हैं, 8th करते हैं, 9th करते हैं, 10th करते हैं, वहां पे निश्चित तौर पे आपके 13 से कम मार्क्स ही आएंगे। 10, 9, 8, 7 इस तरीके के मार्क्स आपके आने शुरू हो जाते हैं। तो जब भी आप क्रोनोलॉजी से एग्जाम सॉल्व करते हैं, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इस तरीके से एग्जाम सॉल्व करते हैं, तो आपके अनकॉन्शियसली हमारे माइंड के अंदर, एग्जामिनर के माइंड के अंदर स्ट्राइक होता है कि ये साइमल्टेनियसली चल रहा है, इसको सारे क्वेश्चन बराबर आते हैं, तो हम हर क्वेश्चन अच्छी तरीके से चेक होता है उस समय और आपके मार्क्स अच्छे आ जाते हैं। अच्छा, कोई क्लेम मत करना कि इस तरीके की चीजें हैं, सर आप कैसे करते थे और पर्सनल क्या है, मैं खुद पर्सनल एग्जामिनर रहा हूं तो मुझे ऐसा अनुभव है कि अगर एग्जामिनर को आप जितना अच्छी तरीके से अपना वर्क दिखाएंगे, आप जितना नीट एंड क्लीन और सिंक्रोनाइज वे में 1, 2, 3, 4 सारे क्वेश्चंस करेंगे, नए पेज पे क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन खत्म होने के बाद 2 लाइन करेंगे, तो इसका आपके पूरे जो 3 आवर्स का क्वेश्चन पेपर होगा, आंसर लिखेंगे, उसमें केवल 5 मिनट लगेगा, लेकिन ये 5 मिनट आपके कम से कम 10 नंबर बढ़ा देंगे। तो एक छोटी सी ट्रिक है, मैंने अभी आपको बता दी, क्योंकि मेरा फर्ज है कि मैं चाहता हूं कि आपके काफी ज्यादा अच्छे मार्क्स आए। नेक्स्ट मैं आगे बढ़ता हूं, बिलीफ वर्सेस अंडरस्टैंडिंग। अच्छा, बिलीफ वर्सेस अंडरस्टैंडिंग क्या होता है? एक बिलीफ यहां पर है, मतलब है इसका धारणाएं, और अंडरस्टैंडिंग यानी समझ। अंडरस्टैंडिंग जो होती है वो हमें हमारे एक्सपीरियंस से आती है, वो किसी
साइंस के थ्रू हम ले सकते हैं, हम हमारे एक्सपीरियंस से लेते हैं, हम साइंस से लेते हैं, ये चीजें हम समझते हैं। तो अंडरस्टैंडिंग के क्या पॉइंट मैंने आपको बताया, एक तो हमारे एक्सपीरियंस के थ्रू आती है, सेकेंड ये साइंस के थ्रू आती है, इतना ही हमको इसमें याद रखना है। और बिलीफ क्या होती है, बिलीफ ये होती है धारणा, ये हमारे वैल्यू एजुकेशन थ्रू हमारी फैमिली, थ्रू हमारी सोसाइटी, थ्रू हमारे फ्रेंड्स, इसके थ्रू हम बिलीफ करते हैं, जो हमारी धारणाएं बनती हैं कि मंदिर के बाहर चप्पल खोलनी है, गुरुद्वारे में सर बांध के जाना है, अगर हम क्रिश्चियन हैं तो हमें वहां पे कैंडल जलाना है, और अगर हम हिंदू हैं तो हमें दीपक जलाना है, ये हमने ही भेदभाव क्रिएट करे हैं, और ये होते हैं बिलीफ। अब आई होप आपको क्लियर हो गया होगा बिलीफ वर्सेस अंडरस्टैंडिंग। तो अंडरस्टैंडिंग के दो फिनोमिना, एक एक्सपीरियंस से आती है और एक साइंस के थ्रू आती है, बिलीफ आपकी फैमिली, सोसाइटी, फ्रेंड सर्कल्स, और आपके खुद के वैल्यू एजुकेशन के थ्रू, आपके खुद की वैल्यूज के थ्रू आप बिलीव कर लेते हैं। मैं मीठा खाना पसंद है तो मैं बिलीव कर लेता हूं कि कोई दूसरा व्यक्ति जिसको मीठा खाना पसंद है वो अच्छा ही होगा। तो इस तरीके की चीजें होती है बिलीफ वर्सेस अंडरस्टैंडिंग। अगले वापिस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर चलता हूं, वैल्यूज वर्सेज स्किल। वैल्यूज वर्सेज स्किल ये काफी बार पूछा गया है एग्जाम में, इसलिए मैंने इसको एड ऑन भी करा है, रिविजन की क्लास भी है अपनी, तो पढ़ने में मजा आ रहा है तो एक लाइक तो बनता है आपको। और अगर आपको कुछ अच्छा लगे तो इसको अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारी टीम को थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा इससे, ठीक है। वैल्यूज वर्सेज स्किल। वैल्यूज यानी कि इंपॉर्टेंस, हम किसी चीज को कितनी इंपॉर्टेंस देते हैं, यहां पर मूल्यों से ही है, यहां पर पर्सनल वैल्यूज, सोशल वैल्यूज, फैमिली वैल्यूज, इतना झमेले में नहीं पड़ना है। जब केवल इतना सा पूछा जाए वैल्यूज वर्सेज स्किल में डिफ्रेंशिएट करें, तब आपको केवल इतना सा लिखना है कि वैल्यूज जो होती है वो इंपॉर्टेंस होती है, जो सेल्फ क्रिएटेड होती है। हम किसी को कितनी वैल्यू देते हैं, हम हमारे माता पिता को अलग वैल्यू देते हैं, अपने दोस्तों को अलग वैल्यू देते हैं, कितनी बार हम हमारे दोस्तों को ज्यादा वैल्यू देते हैं, माता पिता को कम देते हैं, सब्जेक्ट टू होती है सिंपली इंपॉर्टेंस। एंड स्किल, ज्यादा बड़ा नहीं, छोटा ही क्वेश्चन पूछा जाता है इससे अधिकतर। स्किल, स्किल का मतलब होता है कि हमारे को किसी कार्य को करने की टेक्निक, मेथड, जो एक पर्सनल ट्रेनिंग से, जो एक क्वालिटी टाइम हम स्पेंड करते हैं उस स्किल को सीखने के लिए, जाके आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो कंप्यूटर साइंस से कर रहे होंगे या इलेक्ट्रिकल से कर रहे होंगे, तो एक स्किल डेवलप कर रहे हैं अपने अंदर, सॉफ्टवेयर बनाने की स्किल डेवलप कर रहे हैं, या मशीन बनाने की, या ब्रिज बनाने की, कोई भी आप सिविल से होंगे तो ब्रिज बनाने की स्किल डेवलप कर रहे होंगे, तो दैट इज कॉल्ड स्किल। जो एक पर्सनल हमको ट्रेनिंग मेथड के थ्रू, एक ऑथेंटिक यूनिवर्सिटी या फॉर्मल एजुकेशन के थ्रू या अनफॉर्मल एजुकेशन समटाइम्स मिलती है, वो स्किल कहलाती है। आई होप दोनों चीजें आपको क्लियर हो गई हैं, वैल्यूज और स्किल। आगे बढ़ रहा हूं मैं बिना कोई वक्त गवाए, काफी जल्दी जल्दी सारे टॉपिक्स कवर अप हो रहे हैं। यदि कोई टॉपिक आपको वापस से समझ में नहीं आ रहा, यदि कोई इशू है तो फील फ्री टू कमेंट, और इस मैसेज कमेंट बॉक्स के अंदर मैं ह्यूमन वैल्यूज के फुल लेंथ नोट्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर का लिंक भी आपको मैसेज कर दूंगा। और यदि आपने अभी तक मेरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने आपको एग्जाम पैटर्न पर बताया है, केवल 5 क्वेश्चन का वीडियो नहीं देगा, जिसके थ्रू आप जान सकते हैं कि कौन से कल 5 क्वेश्चंस आने वाले हैं आपके एग्जाम पेपर के अंदर, तो फील फ्री आप एक बार उसको भी चेकआउट कर लीजिएगा, उसका लिंक भी मैं मैसेज बॉक्स के अंदर डाल दूंगा, कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं नेचुरल एक्सेप्टेंस। नेचुरल एक्सेप्टेंस का हिंदी में जो मतलब होता है कि स्वतः हम उसको ग्रहण कर लेते हैं, यानी नेचुरली एक्सेप्टेड। नेचुरली एक्सेप्टेड क्या होता है, सबसे पहले हमको आगे की जो बहस है वो इसी टॉपिक के ऊपर है, कि आगे की जितनी भी ह्यूमन वैल्यूज का मैं टॉपिक्स क्लियर करने वाला हूँ वो नेचुरल एक्सेप्टेंस के ऊपर है। नेचुरली एक्सेप्टेंस की मेरा मन और मेरा दिमाग दो अलग अलग चीजें हैं, मेरा मन और मेरा दिमाग किसी भी बात को नेचुरली एक्सेप्ट कर लेते हैं, किसी बात को स्वतः ही मान लेते हैं, मन के उसमें कोई भी विरोधाभास नहीं होता। लाइक कि मेरे पिता, मेरे को प्यास लगती है, मैं मेरे माता से बोलता हूँ कि मम्मी मुझे प्यास लग रही है, वो पानी का गिलास देते हैं, मैं पानी पी लेता हूँ, स्वतः ही मान लिया मैंने कि वो पानी का गिलास पीऊंगा तो इससे मेरा प्यास बुझ जाएगी, नेचुरली एक्सेप्टेड है। मैं मेरे सुबह उठ के सारे भगवानों को नमस्कार करता हूं तो ये नेचुरली एक्सेप्टेड है कि मेरा ये कर्म अच्छा है, इससे भगवान मेरी रक्षा करेंगे। तो बहुत सारी चीजें नेचुरली एक्सेप्टेड होती हैं। नेचुरल एक्सेप्टेंस मीन्स कि जहां पर कोई भी विरोधाभास नहीं होता है,
जब कोई विरोधाभास नहीं होगा इसका मतलब है कि वहां पर क्या होगी, हार्मोनी। और यही अगले सारे टॉपिक्स का बेस है। हार्मोनी का मतलब होता है समन्वय। समन्वय का मतलब कि कोई भी दो व्यक्ति किसी बात पर एग्री होते हैं या किसी बात को न करने के लिए भी एग्री होते हैं, कहीं बार डिसएग्री होने में भी एग्री होते हैं कि मैं चोरी नहीं करूंगा, मैं चोरी नहीं करूंगा। दो जने एक ही बात पर डिसएग्री हैं कि चोरी करना बुरी बात है, चोरी करना बुरी बात है, मैं भी नहीं मानता, तुम भी मत मानो, तो दोनों चोरी करने चले जाते हैं। तो ये किसी बात पे अगर डिसएग्री भी है तो उनके अंदर हार्मोनी है। हार्मोनी का मतलब समन्वय होना। दोनों ए और बी बंदे किसी बात के ऊपर अगर एग्री हो जाते हैं, सहमत हो जाते हैं, तो उसको समन्वय कहते हैं। और ये नेचुरली एक्सेप्टेंस, यानी कि स्वतः ही अगर उसमें कोई विरोधाभास नहीं होता तो ये नेचुरली एक्सेप्टेड होती है। लाइक कि अगर किसी की शादी हो रही है तो वो बैंड बाजे से साथ अपनी बारात निकालेगा, ये नेचुरली हमारे सोसाइटी के अंदर एक्सेप्टेड है। लेकिन आप ये इसी बात को अमेरिका में ले जाएंगे या पाकिस्तान में ले जाएंगे या श्रीलंका में ले जाएंगे, चलो पाकिस्तान तो हमारा ही पड़ोसी मुल्क है और थोड़ा ट्रेडिशन भी मिलता है, श्रीलंका से भी मिलता है, आप चलिए थोड़ा सा दूर चलिए ऑस्ट्रेलिया ले जाएंगे, किसी की शादी हो रही है तो कोई बैंड बाजा बारात लेके निकलेगा, ये वहां पर नेचुरली एक्सेप्टेड नहीं होता। वहां पर लोग इसको अनयूजुअल थिंग समझते हैं। तो ये डिफरेंशिएट है। तो नेचुरली एक्सेप्टेंस का मतलब आप समझ गए, हार्मोनी का मतलब समझ गए। यदि आप हार्मोनी वर्ड का मतलब समझ गए, समन्वय जिसका मतलब होता है कि कोई भी विरोधाभास न होना, तो यकीन मानिए आपने आपके ह्यूमन वैल्यूज का गढ़ जीत लिया। ह्यूमन वैल्यूज और प्रोफेशनल इथिक्स जो सब्जेक्ट है इसका जो बेस है वो हार्मोनी से ही है, और मैक्सिमम क्वेश्चन जो आते हैं वो हार्मोनी से ही है। और हार्मोनी के डिफरेंट टाइप्स हैं, इसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो भी बना रखा है कि टाइप्स ऑफ द हार्मोनी, जिसमें सेल्फ हार्मोनी, नेचुरल हार्मोनी और बहुत सारी हार्मोनी मैंने इसके अंदर डिस्कस कर रखी है। लेकिन रिविजन की क्लास चल रही है, बच्चों की डिमांड चल रही है कि सर आप प्लीज एक बार फिर से सारी चीजें एक्सप्लेन करें, तो मैं जस्ट जिस्ट बताऊंगा क्योंकि ऑलरेडी मैंने इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है, आप प्लीज वो वाला वीडियो देख लीजिएगा। माफी चाहूंगा यहाँ पर मैं उनको नहीं बता पाऊंगा जो ये फर्स्ट टाइम मेरे को वॉच कर रहे हैं, आप प्लीज वो वाला वीडियो देख लीजिएगा ताकि दूसरे बच्चों का समय बर्बाद ना हो। इसलिए मैं केवल यहाँ पर टॉपिक्स और उनका जस्ट जिस्ट बताऊंगा 2-3 lines का, और हमारा रिविजन इसी तरीके से आगे बढ़ेगा। आई होप आपको मैं बहुत ही आसान लैंग्वेज में समझा रहा हूं और आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा होगा। यदि कुछ पसंद आए, आपको लगता है कि ये ट्रस्टवर्थी है, आपको लगता है कि मैं सही से कुछ बता रहा हूं और आपको समझ में आ रहा है, तो सब्सक्राइब करेंगे हमारे चैनल को तो हमें भी अच्छा लगेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वैल्यूज वर्सेस स्किल में बता चुका हूं, नेचुरल एक्सेप्टेंस बता चुका हूं, नेक्स्ट है सेल्फ एक्सप्लोरेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैक्सिमम एग्जाम में पूछा गया टॉपिक है कि सेल्फ एक्सप्लोरेशन क्या होता है, खुद का खुद के बारे में जानना। मेरे YouTube पे इसका भी एक सेपरेट डेडिकेटेड वीडियो मैंने बना रखा है, सेल्फ एक्सप्लोरेशन क्या होता है। रिवीजन की क्लास में मैं इसकी प्रोसेस के केवल आपको पॉइंट्स बता देता हूं। लाइक बींग द किंग ऑब्जर्वर मीन्स कि आपको सबसे पहले खुद के बारे में इसकी प्रोसेस होती है। सेल्फ एक्सप्लोरेशन होता क्या है कि मैं खुद क्या हूं और मैं क्या बनना चाहता हूं। सपोज मैं 8वीं में पढ़ने वाला बच्चा हूं और मैं सचिन तेंदुलकर बनना चाहता हूं, या मैं कोई विराट कोहली बनना चाहता हूं, या मैं एक अच्छा क्रिकेटर बनना चाहता हूं, तो दैट इज कॉल्ड सेल्फ एक्सप्लोरेशन कि मैं क्या हूं और मैं क्या बनना चाहता हूं और वो मैं कहां से बनूंगा। यदि सोचना बहुत आसान है दोस्तों, सोचना बहुत आसान है कि आप अच्छे इंजीनियर बनेंगे, सोचना बहुत आसान है कि आपको 10 lakh का पैकेज मिलेगा, लेकिन कैसे मिलेगा इसके लिए प्रयत्न आपको ही करना होगा, एग्जाम आप ही को देना होगा, पढ़ाई आपको ही करनी होगी, और इसका क्या पाथवे रहेगा यही कहलाता है सेल्फ एक्सप्लोरेशन। इसलिए मेरी एक सलाह मानी, दिन में कम से कम 2 minutes खुद से जरूर बात कीजिएगा। यकीन मानिए आपका जीवन परिवर्तित हो जाएगा, आपको जीने का बहुत मजा आने लग जाएगा यदि आप खुद से बात करना शुरू कर देंगे केवल 2 minutes। चिंता मत करिएगा, चिंता चिता समान होती है कि ये कैसे होगा वो कैसे होगा, लेकिन खुद से बात करिए, एनालिटिक करिए कि आपकी क्या स्ट्रेंथ वीकनेस है और आपके क्या वीकनेस को ओवरकम कर सकते हैं। यही सारी चीजें सेल्फ एक्सप्लोरेशन कहलाती है। एग्जाम्पल भी दिया, आप समझ भी गए। इसकी प्रोसेस क्या है, सबसे पहला कि आपको कीन ऑब्जर्वर बनना है, खुद के बारे में निष्पक्ष होकर अपनी राय देनी है कि हाँ मेरी राइटिंग खराब है, हाँ मेरे को इंग्लिश स्पीकिंग में वीकनेस है, हाँ मेरे को ये 5 चीजें जो है वो नहीं आती है।
सेकेंड, आपको सॉल्यूशन के ऊपर फोकस करना होगा, ना कि आपको प्रॉब्लम के ऊपर फोकस करना होगा। प्रॉब्लम्स हमेशा रहती है जीवन में, लेकिन आपको सॉल्यूशन के ऊपर फोकस करना होगा। थर्ड, आपको आपके जो स्ट्रांग इमोशन है, चेजिंग अवर स्ट्रांग इमोशन, उसको फॉलो करना होगा कि हाँ, कभी भी हमको थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है हम रुक जाते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। हमें बार 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 कोशिश करनी है जब तक हमें सफलता ना मिले। और हमारी जो कोर वैल्यूज हैं कि सफलता तो प्राप्त करनी है, लेकिन किसी को हरा के प्राप्त करनी है, लेकिन किसी को नीचा दिखा के प्राप्त नहीं करनी। मुझे अपनी लाइन तो लंबी करनी है, लेकिन दूसरे की लाइन मिटा के लंबी नहीं करनी, अपनी लाइन बड़ी करके लंबी करनी है। ये माइंड के अंदर माइंडसेट आपको डेवलप करना है। और नोइंग लाइन द बिटवीन द मीन्स के आपको किसी को हार्म नहीं करना है, और खुद की रेस्पॉन्सिबिलिटी भी लेनी है। ठीक है, मैं सब कुछ करना चाहता हूँ, मैं क्रिकेटर बनना चाहता हूँ, इसके लिए आप घर से भाग जाएं या कुछ भी अनइथिकल चीज करें, या अपने बड़े माता पिता का अनादर करें, उनकी बात भी सुने, वो भी आपके भले के लिए कह रहे हैं, जो भी कह रहे हैं आपके भले के लिए कह रहे हैं, आपको रेस्पॉन्सिबिलिटी का भी सेंस होना चाहिए। तो ये प्रोसेस है, आपको ऑब्जर्वर बनना है, कोर वैल्यूज चेस करनी है, और डरना नहीं है। तो ये पूछे पांचों चीजें हैं, इसका डेडिकेटेड वीडियो मैं बना चुका हूँ, वहां से नोट डाउन कर लीजिएगा, एक बार देख लीजिएगा, छोटा सा वीडियो है, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आगे मैं और बढ़ रहा हूँ। नेचुरल एक्सेप्टेंस हो गया। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक अब यहां से मैं लेता हूँ, थोड़ा सा इधर का पार्ट कवर अप होगा ताकि आपको भी काफी इजी रहेगा। जो नेक्स्ट मैं सेकंड यूनिट तक आ गया हूँ, यहाँ पे फर्स्ट यूनिट अपनी लगभग खत्म हो गई है। सेकंड यूनिट के जो टॉपिक्स हैं वो है हार्मोनी इन वन सेल्फ, हार्मोनी थर्ड यूनिट में है, हार्मोनी इन फैमिली, फोर्थ में हार्मोनी इन नेचर। इस थर्ड सेकंड थर्ड और फोर्थ तीनों में ये ही तीन मेजर टॉपिक्स हैं, तीनों को अपन एक एक करके अभी समझ लेते हैं। वैसे मैंने इसके ऊपर ली डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है, यदि आपको अच्छा लग रहा है मेरे पढ़ाने की स्टाइल टेक्निक, तो आप प्लीज वो वीडियो भी वॉच कर लीजिए ताकि आपको वो चीजें और क्लियर हो जाए। तो हार्मोनी इन वन सेल्फ, और कहीं कहीं लिखा है माई सेल्फ, कहीं कहीं लिखा है केवल हार्मोनी इन आई। तो हार्मोनी इन वन सेल्फ में इसको दो पार्ट में डिवाइड किया है, आई और फिजिकल बॉडी, यानी कि मेरा मन और मेरा शरीर, दोनों के बीच में समन्वय होना, दोनों किसी बात पर एग्री होना। मैं कह रहा हूं पढ़ना है, मेरा बॉडी कह रही है मेरे को बहुत थकान आ रही, मैं सो रहा हूं, तो हम सोने लग जाते हैं। मैं कह रहा हूं खेलना है, मेरी बॉडी कह रही है कि नहीं पांव लगा हुआ है आप नहीं खेल सकते, पांव दुखेगा, नहीं वापिस लेट जाओ। मैं कह रहा हूं कि पढ़ना है, बॉडी कह रही है कि पढ़ते हैं कल एग्जाम है, लेकिन दिमाग कह रहा है पढ़ते हैं कल एग्जाम है, लेकिन मन कह रहा है अरे पबजी तो खेलना उससे भी ज्यादा जरूरी है, तो हम पबजी या कोई गेम खेलने लग जाते हैं, जोक सपाट। तो यहां पर समन्वय नहीं होता, और जब तक समन्वय नहीं होता तब तक किसी भी वर्क में आपका 100% आउटपुट नहीं आता। यकीन मानिए आपका दिमाग बहुत शार्प है, आप बहुत प्रभावशाली हैं, आप बहुत बुद्धिमान हैं, यदि आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, आप कहेंगे सर हम तो इस्तेमाल करते ही हैं। दिमाग का इस्तेमाल करने का मतलब कि आप अपने फिजिकली और मेंटली दोनों एक ही जगह कॉन्सेंट्रेट होकर जब भी काम करते हैं, आपका वर्किंग एफिशिएंसी काफी बढ़ जाती है। ये बात आपने नोट करी होगी, जब भी आप मूवी देखने जाते हैं तब आप फिजिकली और मेंटली वहीं होते हैं, इसलिए वो 3 घंटे का समय चुटकियों में हो जाता है। आप एग्जाम देने बैठी है, 3 घंटे का एग्जाम आपका चुटकियों में हो जाता है। अच्छा, होता 3 आवर्स ही है, वो 180 मिनट्स ही है, लेकिन तुरंत निकल जाते हैं, आपको समय नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि उस समय आपका माइंड और बॉडी दोनों एक ही तरफ कॉन्सेंट्रेट होते हैं। जब ये दोनों में से एक भी जना डिसकॉन्सेंट्रेट होता है, या आप वहां पे अनकॉन्सेंट्रेट होते हैं और दोनों अलग अलग विरोधाभासी बात करते हैं, तो आपका समय बीतना बहुत लंबा हो जाता है, आप बोरियत फील करते हैं, या कोई भी वर्किंग एफिशिएंसी नहीं कर पाते। यदि आप ये वीडियो पूरा मन और बिल्कुल ध्यान से देख रहे हैं, तो पूरे वीडियो के एंड तक आप इतने समृद्ध हो जाएंगे, इतने शक्तिशाली हो जाएंगे कि आप ह्यूमन वैल्यूज का एग्जाम जो आपके क्लास में आने वाला है, भले वो किसी भी स्ट्रीम में है, आप उसको अच्छी तरीके से सॉर्ट आउट करेंगे, इतना मुझे विश्वास है हो जाएगा आपके ऊपर। तो हार्मोनी इन वन सेल्फ का मतलब है जो बॉडी है और जो हमारा मन है, इन दोनों के बीच में समन्वय होना, इसी को हार्मोनी इन वन सेल्फ कहते हैं। हार्मोनी इन फैमिली यानी कि पूरी जो आपकी फैमिली है, जब खुद के अंदर समन्वय हो जाएगा तब परिवार के अंदर समन्वय आएगा। फैमिली के टाइप्स भी पूछे जाते हैं एग्जाम में, अपन उसके ऊपर भी चर्चा करने वाले हैं। फैमिली के अंदर समन्वय होना, सारे माता पिता जो हैं और बच्चे हैं जितने भी, वो सभी एक बात पर एग्री होते हैं, उसको ही हार्मोनी इन द फैमिली कहते हैं। जब हार्मोनी इन द फैमिली अचीव होगी, उसके बाद सोसाइटी अचीव होगी, और सोसाइटी के बाद ही हार्मोनी इन द नेशन अचीव हो पाएगी। यदि हम ही एक बात पे एग्री नहीं है, अगर मैं और मेरी बॉडी एग्री नहीं है, तो
फैमिली नहीं हो पाएगी, और फैमिली एग्री हो जाएगी तभी सोसाइटी, और यही क्रम आगे बढ़ता है। आई होप आपको क्लियर है, ये तीनों पॉइंट है, केवल आपको वर्ड चेंज करने हैं, बाकी जो डेफिनेशन है, जो फंडे हैं इसके, वो हार्मोनी इन वन सेल्फ वाले ही हैं। वापस से इसका डेडिकेटेड वीडियो मैं बना रखा है, प्लीज चेक कर लीजिएगा। बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूं कि यहां पर मैं इसका एक्सप्लेनेशन नहीं करा रहा हूं। नेक्स्ट टॉपिक है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ह्यूमन वैल्यूज एंड प्रोफेशनल इथिक्स। में व्हाट इज प्रोफेशनल इथिक्स? तो इथिक्स का मतलब मैंने शुरुआत में ही बताया आपको कि इथिक्स आर द गोल्डन रूल्स विच यूनिवर्सली फॉलोज। मतलब इथिक्स एक गोल्डन रूल्स हैं जो यूनिवर्सली फॉलो होते हैं, यूनिवर्सली फॉलो होते हैं। और प्रोफेशनल इथिक्स क्या है? प्रोफेशनल पे, जहां पर हम किसी प्रोफेशन पे अगर कोई इथिक्स फॉलो करते हैं, कोई चीज फॉलो करते हैं, तो वो प्रोफेशनल इथिक्स के अंदर में आती है। लाइक कि मैं अगर मेरे वर्क पे टाइम पे जाऊं, मैं वहां पे जो भी बॉस मुझे चीजें अलॉट कर रहा है, जो वर्क अलॉट कर रहा है, वो टाइम पे कंप्लीट करूं, मैं हमेशा कंपनी के प्रति वफादार रहूं और मैं अपने काम के प्रति निष्ठावान रहूं, ये प्रोफेशनल इथिक्स कहलाते हैं। आई होप क्लियर होंगे। किसी भी जॉब में हो आप, किसी भी कंपनी में हो, किसी भी नेशन में हो, ये गोल्डन रूल्स इक्वल ही रहने वाले हैं। तो दैट इज कॉल्ड प्रोफेशन। के बाद में आ रहा हूं ऑन द बेसिस ऑफ रेसिडेंस। यदि कोई घर जमाई बन जाता है तो उसको मैट्रिकल बोलते हैं, और अगर पत्नी जो है बहू बनकर आ जाती है दूसरी को, तो उसको मैट्रिकल बोलते हैं। तो और अगर दोनों ही बाहर कहीं रहने लग जाते हैं तो चेंजिंग रेसिडेंस, तो मैट्रिकल, पैट्रिकल और चेंजिंग रेसिडेंस। ठीक है, ए के आधार पर इसमें बताया गया है ऑन द बेसिस ऑफ एंसेंट्री। एंसेंट्री यानी कि पूर्वज जो होते हैं उसके आधार पर, यानी कि अगर कोई माताजी का नाम फॉलो करता है तो मैट्रिनियल फैमिली, और कोई पिताजी का नाम फॉलो करता है तो पैट्रिनियल फैमिली। लाइक कि मेरी माताजी का नाम संतोष व्यास है, अगर मैं बोलता हूँ आनंद संतोष व्यास तो मैट्रिनियल फैमिली से हो गया, और जैसे यूजुअली बोला जाता है आनंद शरद कुमार व्यास तो वो पैट्रिनियल फैमिली से हो गया। ये केवल टाइप्स हैं, कहीं पे कुछ फॉलो होता है, कहीं पे कुछ फॉलो होता है। थोड़ा सा फास्ट चलना हूं ताकि अपना रिवीजन थोड़ा टाइम पीरियड में हो जाए, जैसा मैंने वादा किया है आपसे आधे से पौन घंटे के अंदर। ऑलरेडी 30 मिनट्स का वीडियो करीबन होने जा रहा है, तो मैं चाह रहा हूं कि आपका अच्छे से हो जाए। और एस के आधार पर जो है वो बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर होता है, कि अगर न्यूक्लियर फैमिली है, लाइक दो और दो जने, पिता पुत्र और माता पुत्री, मतलब चार जनों की फैमिली अगर बाहर रहती है घर से तो न्यूक्लियर फैमिली है। यहाँ पे दो पीढ़ियां साथ में रहती हैं, और जॉइंट फैमिली ये तो आप सभी को पता ही है। तो ये एस का भी अपन ने देख लिया ऑन द बेसिस ऑफ साइज। ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप, यहाँ पर रिलेशनशिप के, नेचर ऑफ रिलेशनशिप के बात करी गई है। लास्ट पॉइंट है नेचर का, मतलब कि वैवाहिक, अगर कोई वैवाहिक संबंध के बाद में साथ रहता है, या अवैवाहिक, या इसमें कह सकते हो आप ब्लड रिलेशनशिप साथ में रहता है, तो ये दो तरीके के, एक वैवाहिक है और एक ब्लड रिलेशन वाला है। इसको कॉन्जुगल, अगर वैवाहिक को कॉन्जुगल बोला गया है और सेकेंड को ब्लड रिलेशनशिप। आई होप काफी इजिली मैं समझा रहा हूं, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा है, लेकिन आपको एग्जाम में अच्छे नंबर लाने हैं तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आपको सारी चीजें क्लियर रहे। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर निकल कर आ रहा है, जिनके ऊपर क्वेश्चन आता ही है लगभग, वो है ह्यूमन एक्टिविटीज। ह्यूमन एक्टिविटीज में वापस से यहाँ पर सेल्फ और आई की एक्टिविटी है, सेल्फ और फिजिकल बॉडी की एक्टिविटी है। फिजिकल बॉडी कुछ एक्टिविटी परफॉर्म करती है और आई कुछ एक्टिविटी परफॉर्म करती है। यहाँ पर हिंदी में ही लिखा हुआ है नोइंग, एज्यूमिंग, रिकॉग्नाइजिंग, फुलफिलिंग। ये KARF अगर नहीं दिख रहा है आपको, बोर्ड पे क्लियर नहीं है, तो लिख लीजिएगा KARF, नोइंग, अज्यूमिंग, रिकॉग्नाइजिंग, फुलफिलिंग। चारों एक्टिविटी जो है वो फिजिकल बॉडी कवर अप करती है, वो नोइंग भी करती है किसी ह्यूमन एक्टिविटी को करने में, अज्यूम भी करती है, रिकॉग्नाइज भी करती है और फुलफिलिंग भी करती है। और जो सेल्फ है, आई है, वो केवल शुरुआत की दो एक्टिविटी करता है, नोइंग और अज्यूमिंग की। नोइंग और एज्यूमिंग, लाइक कि एक ग्लास ऑफ वाटर मेरे सामने लिखा है, मेरे को उसको पीने से प्यास बुझ जाएगी, पहले मैं उसका नोइंग करता हूं कि ये पानी ही है, और एज्यूम करता हूं कि इसको पीऊंगा तो मेरी प्यास बुझ जाएगी। देखिए, नोइंग एज्यूमिंग दो एक्टिविटी हुई। थर्ड, मैंने पिया उसको, रिकॉग्नाइज करा मतलब आंखों से देखा, यानी मैंने मेरे फिजिकल बॉडी का यूज करा, रिकॉग्नाइज, फुलफिलिंग, मैंने पिया, मेरी प्यास बुझ गई, तो ये फिजिकल बॉडी की मेरी सारी चीजें कंप्लीट हुई। तो ये चारों इसके अंदर आता है, नोइंग, एज्यूमिंग, रिकॉग्नाइजिंग, फुलफिलिंग। आगे बढ़ता हूं, इथिकल ह्यूमन कंडक्ट। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहीं पे अपना कोर्स लगभग कंप्लीट हो जाएगा, और ये बहुत ही अपनी ह्यूमन वैल्यूज का रिवीजन का एकदम मास्टर स्ट्रोक है। यहां से काफी सारे क्वेश्चन इसी पॉइंट से आ जाते हैं कि इथिकल ह्यूमन कंडक्ट होता क्या है। इथिकल ह्यूमन कंडक्ट का मतलब है कि वो ह्यूमन कंडक्ट जो हमेशा किया जा सकता है,
हमेशा फुलफिल हो सकता है जो यूनिवर्सली फॉलो किया जाता है, उसी को इथिकल ह्यूमन कंडक्ट कहते हैं। मीन्स कि हमको वे टू बिहेव विद अदर। इसमें तीन चीजें बताई गई है, फर्स्ट है वैल्यूज, सेकंड है पॉलिसी, थर्ड है कैरेक्टर। वैल्यूज, पॉलिसी एंड कैरेक्टर्स। वैल्यूज यानी मूल्य, मूल्यों में भी तीन प्रकार बताए गए हैं, जीवन मूल्य, संभव मूल्य और मानव मूल्य। जीवन मूल्य, संभव मूल्य और संबंध मूल्य है, सॉरी, जीवन मूल्य, संबंध मूल्य और मानव मूल्य। जीवन मूल्य के अंदर भी हमारे कुछ चीजें बताई गई है, जैसे कि जो हमारा स्नेह है, जीवन मूल्य में हमारा स्नेह आ जाता है, हमारी सुविधाएं आ जाती हैं, जो स्नेह और सुविधाएं की बात करी गई है वो जीवन मूल्य के अंदर आ जाती हैं। जो हमारी अपब्रिंगिंग से आनंद, जिसमें ए, जैसे मेरा नाम आप याद कर लेंगे, ए में फॉर आनंद, मीन्स कि हम किसी को प्रसन्नता रखते हैं, खुशी रखते हैं, ये हमारा शांति, संतोष और आनंद, ये चारों इसकी फुलफॉर्म है, सुख, शांति, संतोष और आनंद, ये चारों चीजें इसके अंदर फुलफिल की जाती है। ये हमारे जीवन मूल्य का हिस्सा होती है, यानी सुख मिलता है, शांति मिलती है, संतोष। अब आप ये कहेंगे फिजिकल माइंडसेट नहीं, बॉडी की है, क्योंकि जो बॉडी, सॉरी, आई की है, जो आई दिमाग ही है जो कहता है मन को कि आपको इससे सुख मिल रहा है, शांति मिल रही है, मन कह रहा है नहीं, इससे नहीं मिल रही। यानी कि मैं नया एप्पल का फोन ले आऊंगा तो मन कहेगा वाओ, तो पर 10 दिन तक ही, 10 दिन बाद अगर कोई नया ब्रांड आ गया, नया मोबाइल आ गया, नया उसका अपडेटेड वर्जन आ गया, तो फिर मेरा मन दुखी हो जाता है। तो सुख, शांति और आनंद इसके ही हमारे जीवन मूल्यों के अंतर्गत में है। संबंध मूल्य, संबंध मूल्य के अंदर यानी कि हम किसी से प्रेम करते हैं, लव है, अफेक्शन है और वैल्यू है उसकी, ये सारी चीजें जितनी भी हैं ये संबंध मूल्यों के अंदर आती है। मानव मूल्य, मानव मूल्य जो है लास्ट, उसके अंदर आती है धीरता, वीरता, मीन्स धीरता, वीरता, दया, करुणा, यानी कि हम मानवताओं के प्रति, मानव या इंसानों के प्रति जो भी हम हमारे मूल्य रहते हैं, जो भी हमारी वैल्यूज रहती हैं, वो हम इसके अंदर इंक्लूड करते हैं। तो ये रहा अपना छोटा सा टॉपिक, इसके साथ छोटी छोटी बातें, सत्व, स्वतंत्रता और स्वराज। सत्व यानी कि किसी भी होली कल्चर के साथ मैं जी सकूं, स्वतंत्रता उसको जीने की मुझे आजादी हो, और स्वराज यानी कि उसको जी सकूं और उसको आगे बढ़ा भी सकूं। सत्व यानी कि होली कल्चर के साथ मैं जी सकूं, स्वतंत्रता उसको जीने की मेरे को आजादी हो, और स्वराज यानी कि उसको मैं आगे प्रचार प्रसारित भी कर सकूं, मैं मेरे अकॉर्डिंग मेरे रिलीजन को फॉलो कर सकूं। ये रही आज मेरे दोस्तों पूरी की पूरी ह्यूमन वैल्यू का, मैंने आपको सार बता दिया। फर्स्ट से लेकर लास्ट यूनिट तक के सारे टॉपिक्स अपन ने कवर अप कर लिए। जो हार्मोनी के टॉपिक्स, इसके लिए मैंने अलग वीडियो बना रखा है, कुछ इसके अलग वीडियोस के हार्मोनी के टॉपिक्स मैंने डिस्कस वहां पे डिटेल में करे हैं, आप प्लीज देख लीजिएगा, तो आपको सारे डाउट्स और क्लियर हो जाएंगे। यदि अभी भी आपको कोई डाउट है तो फील फ्री टू कनेक्ट। आई एम डॉक्टर अनिल व्यास, हैप्पी टू हेल्प यू। थैंक यू।